दोस्तों नमस्कार। तो आज की वीडियो हम बातचीत करने वाले फल वृक्षों में सबसे बड़ी समस्या आती है, जिसमें अब तीन पॉइंट पे बात करेंगे। पहला है पौधे में जो फूल है वो गिर जाते हैं, दूसरा फूल और फल दोनों आते हैं लेकिन फल की साइज वो छोटी रह जाती है, और तीसरा है फल आने के बाद में जो फल ड्रॉप की समस्या आती है। तो इन समस्या से जो है जो किसानों को बहुत ही बड़ा जो नुकसान देखने को मिलता है। तो वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसके 10 प्रमुख कारण हैं, जिसमें पहला है जब पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए तो उस समय है जो अधिक मात्रा में नाइट्रोजनिक फर्टिलाइजर का यूज़ करने से हमें जो ये समस्या को देखने को मिलती है। तो आप जब भी एनपीके का यूज करें तो उसमें आप नाइट्रोजन की जैसे आप एनपीके 0-32 का यूज करें, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, तो इसके कारण है जो हम फ्रूट ड्रॉप को रोक सकते हैं। दूसरा गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट में भी नाइट्रोजन होता है, तो इसको हमें जो है फ्लावरिंग से 1-2 महीना पहले डालना है। अपन फ्लावरिंग हो जब पौधे पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए उस समय अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो फ्रूट और फ्लावर ड्रॉप है इसकी समस्या देखने को मिलती है। और दूसरा है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, पौधे में पोषक तत्वों की कमी होने से भी फल और फूलों के झड़ने की समस्या आती है। जो भी फल वृक्ष होते हैं उसमें है जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की वजह से ही पौधे में जो फल और फूल है वो झड़ते हैं। तो हमें उसी मात्रा में है जो पोषक तत्वों का यूज करना है। और तीसरा पॉइंट है पौधे में निमेटोड्स यानी सूत्रकृमि का आक्रमण। जो सूत्रकृमि होता है वो पौधे की जड़ों में जो नोड्यूल्स गांठें बना देता है, जिसके कारण जो भी हम पोषक तत्व है जो मिट्टी में डालते हैं वो पौधे के ऊपरी भागों तक नहीं आ पाते, जिसके कारण फूल में है जो पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जिसके कारण है जो फूल है वो गिर जाते हैं। और चार नंबर पॉइंट पे है अपने जो भी फल वृक्ष है उसमें है जो निराई गुड़ाई नहीं करना। साल में 2 बार जैसे कोई भी नींबू वर्गीय पौधा हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, माल्टा हो गया, किन्नो हो गया, साल में 2 बार हमें है जो इसकी जड़ों की खुदाई ज़रूर करनी है। और स्पेशली नींबू वर्गीय पौधे की बात करें तो नींबू में जो भी सफ़ेद रंग की जो जड़ें होती है बाल जैसी पतली पतली, उसको जो हमें है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको निकालना, क्योंकि वो जो है फालतू में न्यूट्रिएंट्स है जो वो ले लेती है। अगर हम उस जड़ों को खोद कर बाहर निकाल देंगे तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो पौधे के ऊपरी भागों तक आएंगे और जो फल है और फूल है वो गिरेंगे नहीं। और 5 नंबर पॉइंट में है अपने प्रतिकूल मौसम, जैसे आप देख सकते हैं अधिक आंधी हो गई, बारिश हो गई, तेज़ हवाएं हैं, जिसके कारण है जो फल और फूल भी गिर जाते हैं। और 6 नंबर पॉइंट में अपन बात करें तो जो भी कीट है रस चूसक करने वाले, जैसे नींबू में 2-3 महीने ये पौधे में रस भी चूसता है, जिसके कारण जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और अलग अलग प्रकार के जो कीट है वो लग जाते हैं, जिसके कारण है जो अपने फल और फूलों में गिरने की समस्या आती है। तो इसके लिए आप जैसे हम केमिकल का छिड़काव कर सकते हैं, इसमें आप इंडिया कम्युनिटी ले सकते हैं, जो भी केमिकल आए उसका यूज़ करना है, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर अपन भारी डोज वाले केमिकल्स का यूज कर रहे हैं तो फिर है जो फल और फूल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो इसमें वाटर शॉर्ट आता है इसका तना, यहाँ पर तो नहीं है लेकिन जो पौधे की जड़ है वहाँ से जो तना निकलता है वो भी है जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है और पौधे पर है जो न्यूट्रिएंट्स नहीं आ पाते हैं और फूलों में इसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण जो फूल और फल है वो गिर जाते हैं। तो जो वाटर शॉर्ट आता है उसको भी आप स्केट की सहायता से पौधे से अलग कर लें, और जो भी पौधे पर सूखी टहनी आप वो भी अलग कर सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं पौधे पर ये सूखी टहनी है, यहाँ पर है, तो इसको भी आप स्केटर की सहायता से अलग कर लें। फल वृक्षों में स्केटर का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम दूसरे किसी यंत्र की सहायता से या फिर हाथों से इसको तोड़ते हैं तो इसकी जो बाहरी कवच यानी जो छाल होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसके कारण है जो पौधों में रोग लगने की भी संभावना हो जाती है। तो आपको स्केटर की सहायता से इसको अलग करना है। और अपन अधिक मात्रा में जो पेस्टिसाइड है उसका यूज़ करते हैं, इसके कारण भी अपन है जो अपने आप में फ्रूट और फल के गिरने की संभावना है वो ज़्यादा हो जाती है। तो आपको कम से कम है जो केमिकल्स का यूज़ करना है। और अपन जो इसमें फल वृक्ष की बात करें तो जो पानी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है तो फ्लावरिंग से आपको 20-25 दिन पहले है पौधे को पानी देना है, उसके बाद में बिल्कुल भी इसको पानी देना बंद करना है। जब इसमें फल बनना स्टार्ट हो जाए यानी मटर के दाने जितनी फल की साइज़ हो जाए उस समय आपको निश्चित मात्रा में इसको पानी देना है, उस समय भी अधिक मात्रा में पानी नहीं देना है। स्पेशली अपन बात करें तो गांव के जो किसान होते हैं वो यूँ सोचते हैं कि जब पौधे पर फल और फूल दोनों आ रहे तो हमें जो अधिक मात्रा में पानी दें, जिससे कारण है जो फूल है जो अधिक से अधिक बनेंगे और जो उस पर फल है वो भी अधिक होंगे।
तो ये किसान साथियों की भूल है। तो हमें जब भी पौधे पर फल और फूल आए तो उसको बहुत ही कम पानी देना है, और फूल आने से पहले तो आपको पानी को रोक ही लेना है, उससे पहले पानी देना, उसके फूल आने के बाद में पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। फ्लावर की फ्रूटिंग के समय ही आपको पानी देना है। तो इस प्रकार है जो आप फ्रूट ड्रॉप और फ्लावर ड्रॉप से बच सकते हैं। अगर दूसरे में अपन बात करें तो अपन किस प्रकार है जो अब समस्या तो हो गई है, तो अपन किस प्रकार जो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो अपन जैसे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज़ कर लिया तो हमें इसके लिए ये समस्या देखने को मिलती है। तो इसके लिए आप जो है प्लेन फिक्स का यूज़ करें, 4 ml प्लेन फिक्स को 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। इसके द्वारा भी आप इस समस्या से निपट सकते हैं। प्लेन फिक्स का आप 3 से 4 ml हाइएस्ट है, अपन 5 ml ले सकते हैं, इससे ज़्यादा इसकी मात्रा नहीं लें, क्योंकि अधिक मात्रा लेंगे तो हमें जो फ्रूट ड्रॉप हो रहे हैं उससे भी ज़्यादा ड्रॉप होंगे। अब कई किसान साथी यूँ सोच रहे थे कि अपन भाई ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करेंगे जिसके कारण जो है जो सारे फूल आ रहे हैं पौधे पर सारे के सारे पर फल आ जाएंगे, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ नहीं करें। दूसरे में आप एक चमत्कार नाम से आता है उसका भी आप यूज़ करें, ये मिनरल प्लस फर्टिलाइजर मिक्स में आता है, इसके भी बहुत ही शानदार रिजल्ट है जो फल और फूलों को गिरने से रोकता है, और ये चमत्कार है जो जो फ्रूट की साइज़ है उसको भी बहुत ही बढ़िया बनाता है। तो आप इसका भी यूज़ करें, इसकी आप 2 से 3 ग्राम मात्रा का यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा अपन देखें जैसे बड़ा फल वृक्ष है तो इसमें आप बोरॉन का स्प्रे कर सकते हैं, इसलिए भी कर सकते हैं, या फिर आप है जो 25 से 30 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से है जो पौधे के चारों ओर थाला बनाएं और उस थाले में डाल सकते हैं, या फिर आप ड्रिप अगर ड्रिप लगा हुआ है तो आप ड्रिप में ड्रेंसिंग कर सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, इसकी भी आप 2 से 3 ग्राम मात्रा यूज करें, इसको भी आप यहाँ 1 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं मिक्स करके। और दूसरा अपन देखें तो लिमिटोड्स है जो फल वृक्षों को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुँचाते हैं, तो इसके लिए आपको है जो बायो निमिटोड्स नाम से आती है इसकी आप 2 से 3 ml मात्रा का यूज़ करें। इसके द्वारा भी आप है जो लिमिटोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लिमिटोड्स को कंट्रोल करने के लिए आप इसमें ड्रिप के द्वारा ड्रेंसिंग भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही जैसे एक नींबू क्योंकि हर घर में मिल जाता है 1 से 2 प्लांट, तो अगर 1 से 2 प्लांट है आपने ड्रिप नहीं लगाए तो आप है जो पानी में घोल कर है जो इसकी जड़ों में दे दें, इस प्रकार है जो आपको निमिटोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे मेन पॉइंट है तो अपने है जो इसमें प्रूनिंग करना बहुत ही जरूरी होता है, जैसे अपन अब हार्वेस्टिंग मतलब प्रूनिंग हो रही है उसके बाद अपन हार्वेस्टिंग करेंगे, तो हार्वेस्टिंग के बाद में इसमें जो भी अपने जो पुरानी शाखाएँ हैं सूखी हुई टहनियाँ हैं तने से ऊपर से अपन काफ़ी यहाँ से आप इतनी हाइट में से इसको अलग कर सकते हैं। इसके बाद में जो अगले साल में जो नई शाखाएँ आएगी जो नई टहनी आएगी उस पर जो फ्रूटिंग और जो फ्लावरिंग है वो बहुत ही शानदार होगी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।